नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जब घर में ही हैवान हो तो लड़कियां कहां जाएं, जब घर में शैतानी मंसूबे पाले लोग रह रहे हो तो लड़कियां कहां जाएं। ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में ऐसा कांड हुआ जिसे सुनकर सभी शॉक्ड हैं और इस घटना ने विपक्षियों को मुंह खोलने का मौका दे दिया है। जी हाँ, एक और रेप की घटना सामने आई है, मुस्लिम लड़की के रेप की घटना, वो भी बीजेपी नेत्री के घर से। चलिए बताते हैं पूरा मामला है क्या। मेरठ में बरेली की 22 साल की मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि लड़की 3 महीने से मेरठ में भाजपा नेत्री के घर पर रह रही थी। उसका भाजपा नेत्री के भाई से प्रेम संबंध था। लड़की उससे शादी करना चाहती थी लेकिन भाजपा नेत्री को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लड़की का भाजपा नेत्री के भाई के साथ कई वीडियो और फोटो भी सामने आए। इससे पहले लड़की ने भाजपा नेत्री के देवर और बेटे पर गैंग रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने 28 जुलाई को उन पर केस भी दर्ज कर लिया। भाजपा नेत्री का बेटा अभी 14 साल का है। भाजपा नेत्री मेरठ में गौर रक्षक और लव जिहाद के खिलाफ आवाज भी उठाती रही है। उनके समर्थन में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी उतर आए हैं। उन्होंने इंस्पेक्टर पल्लवराम को 3 दिन का समय दिया है। कहा है कि यदि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वह पल्लोपुरम थाने में घेराव कर वहीं पर धरना देंगे। आपको बता दें, बरेली की 22 साल की मुस्लिम युवती ने अप्रैल महीने से मेरठ में भाजपा नेत्री के यहाँ रह रही थी। युवती के नजदीकी भाजपा नेत्री के भाई से हो गई। भाजपा नेत्री ने जब अपने भाई और युवती को समझाने की कोशिश की तो युवती ने भाजपा नेत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। युवती ने भाजपा नेत्री के 34 साल के भाई से शादी करने की बात कही। इस पर भाजपा नेत्री को ऐतराज हुआ। उन्होंने अपने भाई और मुस्लिम लड़की दोनों को ही डांटा और कहा किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद लड़की मेरठ से अपने घर बरेली चली गई। आपको बता दें, 27 जुलाई को लड़की ने एसएसपी मेरठ के ऑफिस में एक शिकायत पत्र दिया। लड़की ने आरोप लगाया कि भाजपा नेत्री के घर मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर 15 जुलाई को गैंगरेप हुआ। इस दौरान भाजपा नेत्री ने उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने भाजपा नेत्री के देवर अजय चौहान और बेटे पर 28 जुलाई को FIR दर्ज कर ली थी। आपको बता दें, जांच में पुलिस को युवती के कई वीडियो मिले हैं। युवती के साथ भाजपा नेत्री के भाई भी साथ में है। युवती भाजपा नेत्री के भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में है। पुलिस की जांच में आया है कि युवती भाजपा नेत्री के भाई से शादी करना चाहती थी। भाजपा नेत्री ने शादी का विरोध किया तो FIR दर्ज करा दी गई। वहीं इंस्पेक्टर पल्लोपुरम देवेश शर्मा का कहना है कि बरेली की युवती ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। जांच में पता चला कि भाजपा नेत्री की आरोपी बेटी नाबालिग है। पुलिस पूरे मामले में अच्छे से जांच कर रही है। युवती के वीडियो की भी जांच की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया। जो कुछ भी सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज।